नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपसे निवेदन है, अपना और एक चैनल है बात सच है, आप उस पर भी विजिट करें। वह चैनल इसी चैनल का बैकअप चैनल है। बाय द वे, कल इस चैनल पर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वह चैनल कम से कम जीवित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। ये पाकिस्तान है जिसमें आजकल एक ही आवाज गूंजती है, सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। मतलब देश के पास न बेहतर नीतियां है और न बेहतर नेता। वहां इससे अधिक तसल्ली देने वाले शब्द सुनाई नहीं पड़ सकते। इस मुल्क की एक तिहाई आबादी अभी भी बिना निक्कर के घूम रही है। जिनके पास निक्कर बचे हैं उन्हें इमरान खान ने उतारने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। मतलब पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर की दाढ़ियों को जो तेल पिलाया, अब वह पाकिस्तानियों के निक्कर गिरवी रखकर निकाला जा रहा है। तेल तो इमरान खान का भी निकल चुका है, बस लोग ईद का इंतजार कर रहे हैं। हालत यह है कि आज पाकिस्तान के तेलम तेल की जो खबर आई उसने पाकिस्तानी निक्करों के दाम भी जीरो स्तर पर ला दिए हैं। पाकिस्तानी रुपया एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी में शुमार होकर कराची के घोड़ा नक्काश के यहां लटक गया है। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी मस्जिदों में भी वहां के मुल्ला इमदाद के लिए डॉलर ही मांग रहे हैं। इस वक्त अमरीकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 151 के स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि यह 185 रुपए तक पहुंच जाएगा। वैसे भी पाकिस्तानी उस मदरसे की पैदावार से निकले हैं जो ऊपर नीचे का मतलब नहीं समझते। कुछ पाकिस्तानी खुश भी हो रहे हैं। अगर एशिया के कुछ देशों से उनकी करेंसी से तुलना की जाए तो अफगानिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर 79, भारत में 70, बांग्लादेश में 84 टका, साउथ अफ्रीका में 1.7, नेपाल में 112 और थाईलैंड में 32 के भाव में चल रहा है। जबकि पाकिस्तानी तहमत खोलकर नाचते हुए पाकिस्तानी रुपए पर उत्सव मना रहे हैं, यानी ईद से पहले बकरीद, जिसके लिए ये खुद के हलाल होने का जश्न है। पर मामला यहां तक नहीं है। आईएमएफ के दफ्तर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में खुलने जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी रुपए को उसकी औकात बताने की तैयारी कर रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सभी वित्तीय फैसलों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान केवल आईएमएफ की कठपुतली है। पाकिस्तान वही नाच करेगा जिसे देखकर आईएमएफ तालियां बजा सके। पर तालियां तो अब बिलावल भुट्टो बजा रहा है, वह भी इमरान खान के गधिया डांस पर। यानी पाकिस्तान अब उस संग्राम की तरफ बढ़ रहा है जिसे गृह युद्ध कहते हैं। बिलावल जनाब इमरान खान की खटिया के नीचे फूस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि बिलावल ने मुस्लिम लीग नवाज पुत्री मरियम नवाज, फजलुर रहमान, असमत अली और महमूद जैसे नेताओं को दावते इफ्तार का निमंत्रण देकर इमरान के कुर्ते के बटन तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान में अब एक बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार की जा रही है। पाकिस्तानी जनता हलकान है, पर यह जिन्ना का वो मुल्क है जिसमें दो पाकिस्तान हैं, एक बिना निक्कर वाले लोगों की जमात, जबकि दूसरा वो जिनका तयमंद आईएमएफ खोलने पर उतारू है। इमरान खान के फैसलों की वजह से पिछले 8 महीनों में पाकिस्तानी निवेशकों को 598 करोड़ की चपत लग चुकी है। आज शेयर बाजार का सूचकांक जिस बिंदु पर है वह 10,000 पॉइंट से नीचे आ गया है। मतलब इमरान सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया है कि मूर्खों का राजा महामूर्ख ही सुंदर लगता है। खास बात यह है कि भिखारी देश का यह वजीर आजम 2 अरब रुपए की इमदाद का ढिठोरा पीटकर निवेशकों को सब्र करने की तसल्ली दे रहा है। यानी इमरान का संदेश है, तुम मेरी पीठ पर खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाऊंगा, यानी खुजली वाला पाकिस्तान। मगर इसके बावजूद भी कुछ गूंगे बहरों ने इस महाराज के लिए नोबल पुरस्कार का राग अलापा था। वैसे इसे नोबल से ज्यादा गूगल की जरूरत है, जहां से विदेश और घरेलू नीतियों को समझने के लिए थोड़ी बहुत सलाह मिल सकती है। पर ये पाकिस्तान है। 70 सालों तक इस मुल्क ने दुनिया में जो उत्पात मचाया और आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी का तमगा दिया, अब वही तमगा गमछा बनकर इसके गले में कस गया है। अपने पिछवाड़े पर घी लगाकर इमरान खान जरूर पाकिस्तानियों को ललचा रहे हैं, पर उससे पाकिस्तान के वर्तमान हालत बदलने की बजाय और दुभर हो गए हैं। आईएमएफ का सख्त और साफ साफ संदेश है कि पाकिस्तान जो सब्सिडी पाकिस्तानियों को बांट रहा है उसमें बड़ी कटौती करें। यानी पाकिस्तान का निम्न और मध्यम वर्ग परिवार तलैया के किनारे आकर नया पाकिस्तान का प्रतिबिंब तलाश करने को तैयार है।
पर लोग आज भी यही कहते हैं कि इस बार भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। पर यह भारत ने नहीं किया, यह पाकिस्तान की अपनी करतूतों का परिणाम है। पाकिस्तान ने अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा आतंकवाद पर खर्च करके अपनी अर्थव्यवस्था को कबाड़े में बदला है, जो आने वाले वक्त में 2.5% से भी नीचे जाने वाली है। IMF की पाकिस्तान में एंट्री उसकी कमियों के कारण है। पाकिस्तानी जनता की नसों में मजहब और भारत विरोध का जो विष इंजेक्ट किया गया, वह पाकिस्तान को गर्त में ले गया। यानी अगर पाकिस्तान में ऐसी ही विचारधाराएं पल्लवित होती रही तो एक दिन दुनिया यही कहेगी, यहां भी कभी पाकिस्तान था, न नया न पुराना, बस खटारा और छकड़ा पाकिस्तान। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।